कटनी नदी के मोहन घाट को नगर निगम प्रशासन ने एक तालाब बना दिया है। कभी आपने सुना है कि एक नदी तालाब बन गई है? नहीं सुना है तो कटनी आकर शहर स्थित कटनी नदी में लगे इस बोर्ड को देखें, जहां नगर निगम प्रशासन ने लिखा हुआ है कि तालाब में नहाना, कपड़े धोना सख्त मना है। तालाब में साफ सफाई स्वच्छता बनाए रखें, नगर पालिका निगम कटनी। मामला यह है कि कटनी शहर के बीचों बीच से कटनी नदी निकली हुई है, जिसमें मोहन घाट जो कि 1939 में बनवाया गया था, नगर निगम आयुक्त का एक बोर्ड लगा है कि नदी घाट में नहाना, कपड़े धोना प्रतिबंधित है और नदी घाट को स्वच्छ बनाए रखें। लेकिन कटनी नगर निगम में प्रशासक के बदलते ही यहां बोर्ड भी बदल दिया गया और अब लिखा है कि तालाब में कपड़े धोना नहाना वर्जित है। अब लोग नगर निगम के इस बोर्ड को देख कर मजाक उड़ा रहे हैं। किस नाम से प्रसिद्ध? ये मोहन घाट के नाम से प्रसिद्ध है और ये कटनी नदी है। इसका क्या है, नगर निगम कोई देख रेख कर नहीं रही, पूरा प्रदूषण है, पन्नी पूरा बंद की है लेकिन पन्नी का प्रयोग पूरा हो रहा है। अच्छा, अभी आप पूजा का सामान डाल रहे हैं जी, तो ऐसे गंदे पानी में क्या करें, कटनी में कोई व्यवस्था ही नहीं। आपने नदी मान के तालाब में पूजा सामान डालने आए थे कि तालाब में? नहीं नहीं, नदी है ये, तालाब नहीं। पर चूंकि आपके पीछे तो बोर्ड जो लगा हुआ है तो तालाब लिखा हुआ है, नगर निगम की गलती है। जो अपने महापौर हैं, विधायक जी हैं, उनको ध्यान देना चाहिए कि बोर्ड लग रहा है तो काहे का लग रहा है, आम पब्लिक की नहीं है। इस मामले में पूर्व महापौर नगर निगम शशांक श्रीवास्तव ने भी अपनी बात रखी। एक तो कटनी नदी बहुत ऐतिहासिक नदी है, कटनी का गौरव वही है, और जिस तरह से प्रशासन ने लापरवाही पूर्वक वहाँ अगर कोई बोर्ड लगाया है कि वहाँ पे तालाब उसको उचित करते हुए कि वहाँ गंदगी न फैलाई जाए, या तो तकनीकी त्रुटि है ये कोई, या फिर उनकी लापरवाही है, प्रशासक की लापरवाही है, जिस तरह से उन्होंने इस तरह का वो किया है। आपको याद होगा कि आज से 4 साल पहले मैंने सारी नदियों की सफाई अभियान चलाया था और उस अभियान के अंतर्गत नदियों का गहरीकरण किया गया था, चाहे वो बाबा घाट की नदी हो, चाहे वो मोहन घाट हो, चाहे हमारा अपना जहाँ पे घाटों में विसर्जन होता है माई का, वो घाट हो, सारे घाटों का हमने स्वच्छता करवाई थी, क्योंकि जेसीबी मशीन ने जन सहयोग के माध्यम से इस काम को किया था और उसके नतीजा ये हुआ कि नदी कटनी में बाढ़ नहीं आई और पानी का स्तर बढ़ा और आज यहाँ पर जो स्थिति थी, क्योंकि बहुत से समाजसेवी संगठनों ने भी सफाई अभियान किया, निरंकारी समाज वाले और सभी लोगों ने मिलकर के वहाँ अभियान चलाया और सभी के बड़ा स्नेह है कटनी नदी से और इसी स्थान पर उसको विकसित करना चाहिए, घाट विकसित करना चाहिए। एक रिवर फ्रंट का हमने 20 करोड़ का भी प्रोजेक्ट हम लेकर के आए थे जो कि अभी शासन के पास विचाराधीन है, अगर वो बन जाता है तो साबरमती जैसा फ्रंट कटाईघाट से लेकर के और सीधे अपना कटनी डिग्री कॉलेज तक का हमारा प्लान था, उसमें नदी की सफाई भी होती और नगर सुंदर भी होता, तो सरकार इस पर काम करे बजाय इसके कि घाटों को समेट करके तालाब घोषित करना और वहाँ साफ सफाई नहीं रखना, ये बड़ा चिंताजनक है, इस पर ध्यान देना चाहिए प्रशासन को। हम आगे भी इसके ऊपर बातचीत करेंगे।